आपसे एक बात पूछूं? देखिए, सच सच बताइएगा मुझे, आपने कभी टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते वक्त फ़ोन पे बात करी है? करी है ना? या फिर आपने बिना हेलमेट के ड्राइव किया हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में ट्रिपलेट किया हो, या किसी जल्दबाजी में आपने स्पीड बढ़ा दी हो सिनेमा देखने के लिए, फ्रेंड्स से मिलने के लिए? किया ना अपने से? कभी ना कभी तो किया होगा। अगर आपने इसमें से कुछ भी किया है तो लेट मी टेल यू, बहुत गलत किया। और अब तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि 1 सितंबर से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है, जिससे आपको जुर्माना 10 गुना भरना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपये भर रहे थे तो 1000 रुपये भरेंगे आप। तो मैं दिल्ली में हूँ, आई वॉन्ट टू नो कि दिल्ली वासियों को इस एक्ट के बारे में कुछ पता भी है, जानकारी है भी, और अगर जानते हैं तो क्या वो इससे सहमत हैं, और अगर वो इससे सहमत हैं तो आर दे विलिंग टू पे सो मच? क्योंकि ये एक्ट उनकी जेब पर भारी नहीं, बहुत भारी पड़ने वाला है। तो लेट्स फाइंड आउट। 1 सितंबर को न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, कुछ जानते हैं इसके बारे में आप? जानते ही हैं, बस जो भी हुआ अच्छा हुआ। आई हैव हर्ड दैट देयर बीन अ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइम्स। यस, इट्स अ गुड मूव, बट द वरिंग पार्ट इज कि नाउ पुलिस वाले को कितने पैसे देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, तो ये हम भी यही जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। कानून तोड़ रहा है मोटर व्हीकल में, तो समझ के चलो जेब में 5-7 हज़ार रुपये लेके ही चले। सर, जो हमारे देश में मतलब हेलमेट नहीं लगाते हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, पेपर लेके नहीं चलते, बाइक पे फ़ोन यूज़ करते हैं, गाड़ी में फ़ोन यूज़ करते हैं, बेटर है। 1 सितंबर से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है। हाँ, इसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ। आप क्या होंगे, आप जानते हैं? क्या होते हैं, पूछो स्पेलिंग, पूछो मेरे मोटर। चलान बहुत ज़्यादा हो गए, जो 100 का है जो 1000 का हो गया, 1000 वाला 10,000 का हो गया। आई थिंक वो जुर्मानों पे शायद बढ़ा दिया गया। बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैंने पढ़ा था एक जगह। हाय, व्हाट्स योर नेम? हाय, प्रशांत। प्रशांत, एक सेकंड, बट ओके, बहुत जल्दी में है, अब जाइए। सर, आप लोगों को पता है कि 1 सितंबर से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है? सर ना जी, हाथ जोड़े पर आ जा। आप भी बात नहीं करेंगे? इसमें जो चालान्स के रेट हैं वो उन्होंने इंक्रीज़ किया है, बहुत बढ़ा दिए सर, 10 गुना कर दिए। तो आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या मानना है इसके बारे में। तो आप इस एक्ट से सहमत हैं या नहीं है? हाँ, हूँ ना। और आप? सही है, बिल्कुल सही करा है, बिल्कुल। इट इज़ रिक्वायर्ड, लुक अराउंड अस, वी आर इन दिल्ली, द ट्रैफिक अराउंड अस, वी नीड इट। मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। आप नहीं है? ये वाला जो रूल है ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी तक ज़्यादा लोगों ने कहा है कि वो इस फेवर में है, और एक ने कहा है कि वो नहीं है। लास्ट मोर पीपल, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है रूल्स और रेगुलेशन कोई सुनता नहीं है। इसमें लागू होना चाहिए था, चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। ये बहुत बड़ा कदम है दिल्ली पुलिस की। तो आप सहमत हैं? एकदम पूर्ण रूप से, बहुत ही अच्छा किया। ये तो और भी थोड़ा मोटा होना चाहिए। सही है, इससे नियम तोड़ने वालों भी कुछ वैसा सही होगा। जो चलान के जो इन्होंने पैसे निर्धारित कर दिए वो असहमति है। लोगों से पूछते हैं, ये जो डॉग्स एंड बंदर हैं इन पे ये एक्ट लागू नहीं होता है? अब जो इसका जुर्माना है वो 10 गुना बढ़ गया है, तो आपके हिसाब से ठीक है या नहीं? ठीक है, ठीक है, रूल फॉलो करेंगे तो एक गुना भी नहीं है। कोई बात नहीं, सही किया है। सही किया, बिल्कुल सही किया भाई। इतना लोग कैसे देंगे सर? चाहे जैसे भी दे, गलती करेगा तो भुगतना पड़ेगा भाई। ये जब तक स्ट्रिक्टली जो है वो चलान नहीं होगा तब तक जो है पब्लिक सीरियस होगी नहीं। ये चीज़ें सही करी हैं, बट उसके अकॉर्डिंग इनको रोड और बाकी चीज़ों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब थोड़ा सा डर तो होगा कि भाई सीधा 100 की बजाय सीधा 1000 जा रहे हैं जेब से। इसकी जगह मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे बाइक जब आदमी खरीदता है या गाड़ी खरीदता है तभी कंपनी को स्टार्टिंग में 10 साल का इंश्योरेंस कर देना चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने बोला है कि वो एग्री करते हैं कि इतने दाम बढ़ा दिए गए हैं, दे हैव नो इश्यूज इन पेइंग दैट। लेट्स आस्क मोर पीपल व्हाट दे थिंक। सर, ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको कोई डिराई कर सकता है। भाई, जीवन की रक्षा किसकी है? पब्लिक की है ना, जीवन की रक्षा हो करना। सो इट्स अ गुड डिसीजन व्हिच द गवर्नमेंट हैज टेकन। मोस्टली तो नहीं कटा। पुलिस वाले को चालान काटना है तो कैसे भी करके वो एक रसीद बना ही देगा। मैं 17 साल से ड्राइवरी करता हूँ, आज तक चालान नहीं कटा है। अभी भी नहीं कटा? आज तक नहीं। क्या बात है, क्या चलाते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर? फोर व्हीलर। फोर व्हीलर। मैं हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता हूँ, और मैं सबसे यही कहूँगा कि हाँ, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आपका कभी चालान कटा है लाइफ में?
काफी बार। मैं अभी तक तो नहीं कहता है। आपको लगता है कि ज्यादातर यंगस्टर्स इसलिए हेलमेट नहीं लगाते कि उनको लगता है कि उनका स्टाइल या हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा? बिल्कुल सही। आपने कभी कभी देखा होगा औरतों को बड़ा छोटा सा हेलमेट लगाई जाती है। मेरा रोहतक में एक बार कटा था, फोन लगा के चल रहा था, वो पहले की बात है। मैं भी थक गया, मैं भी बैठ जाता हूं। बैठिए बैठिए आप बैठिए। अगर ये डर नहीं लोगों पे होगा, ये भय नहीं बढ़ेगा तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। वही मन मर्जी से, मन लापरवाही से ये अपना काम करते रहेंगे। इतना सारा चार्ज लगा रहे हैं तो उनको रोड भी तो देखना चाहिए ना कि ये कैसा है। खैर, आपने जैसे सुना कि 80% ऑफ द लोगों ने कहा कि वो इससे एग्री करते हैं, वो खुश हैं कि इस टाइप का कोई एक्ट जो है इंडिया में लागू हुआ है और इसकी वजह से उनको लग रहा है कि एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। हर साल इतने सारे लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट्स में, वो कम हो जाएंगे। वहीं पर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ये एक षड्यंत्र है, खुश नहीं है। इतने ज़्यादा प्राइसेस को एस्केलेट कर दिया गया है, इतना जुर्माना कोई नहीं भर सकता, जैसे कि अभी इन्होंने बोला। आई डोंट नो, लेट्स सी कि क्या होने वाला है। आई होप कि इस एक्ट के बाद से हमारे रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो जाएं, लोग और कॉशियस हो जाएं। मैं तो यही प्रे कर सकता हूँ, बट लेट्स सी आगे क्या होता है।